देखो भाई देखो, नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक ऑनलाइन देखो, नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक नुक्कड़ नाटक, जो खोल दे सके दिमाग के फाटक। नाटक तो बस बहाना है दिवाली के मौके पर कुछ सबको समझाना है। सीनों टूकर कर सबको बताना है, पटाखे नहीं चलाना है, प्रदूषण नहीं फैलाना है। नाटक करने की अभी लगी है पाबंदी, तो सोचा कैसे दिवाली मनाने का संदेश घर घर पहुंचाए। मेरी समझ में आया, क्यों ना हम इस बार लोगों से ऑनलाइन जुड़ जाएं और पटाखे न जलाने के लिए जन जन को जागरूक बनाएं। सही कहते हो भाई, बढ़िया युक्ति सुझाई। नुक्कड़ पर तो होंगे कुछ ही लोग, ऑनलाइन ये नाटक अधिक लोगों को जागरूक बनाने में देगा सहयोग। दिवाली आई है, खुशियां लाई है, खुशियों का संदेश फिर से ले आई है। आओ तुम्हें कुछ मित्रों से मिलवाते हैं, देखो देखो वे कैसे दिवाली मनाते हैं। दिवाली तो आ गई भाई, पर इसे मनाएंगे कैसे? इसमें सोचना क्या, दिवाली खुशियों का त्योहार है, आता साल में एक बार है। दिवाली पर बम जलाएंगे, अनार जलाएंगे, फूल जड़ी पर चाइनीज आतिशबाजी कर मजे करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, पटाखे जलाओ प्रदूषण फैलाओ, प्रदूषण फैलाकर दिवाली मनाओ, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों की धजियां उड़ाओ। हो तो जाग जाओ, आज की ताजा खबर, देश में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पटाखे जलाकर प्रदूषण के स्तर को और ना बढ़ाओ। पटाखे पर रोक लगाती है, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश सुनाती है, पर सुनता कौन है? प्रदूषण रोकना तो प्रशासन का काम है, लोग सोचते क्यों नहीं प्रदूषण का क्या अंजाम है। पटाखों के धुएं से बेजुबान पशु पक्षी मर जाते हैं, पटाखों के धुएं से कई लोग बीमार हो जाते हैं, न जाने तब भी लोग पटाखे क्यों चलाते हैं। सोचो पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में, जहरीली गैस से होने वाले प्रदूषण के बारे में। बस बहुत हुआ तुम्हारा लेक्चर, क्या अब हम अपना त्योहार ना बनाएं, अपने साथियों के साथ अपनी खुशियां ना बांटें? दोस्त दिवाली दीपों का त्योहार है, पटाखों का नहीं। दिवाली खुशियां बांटने का त्योहार है, बम और अनारों का नहीं। क्या आप लोग जानते हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? नहीं जानते दिवाली क्यों मनाते हैं, तुम ही बताओ, हमारा ज्ञान कुछ तो बढ़ाओ। दिवाली के दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या पुनः लौटे थे, उनके आने की खुशी में दिवाली मनाते हैं, अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, ना कि बम पटाखे फोड़कर प्रदूषण फैलाते हैं। हम बच्चे सबको समझाने हैं कि इस बार दिवाली कैसे मनाएं। आओ मिलकर दिवाली बनाए, गरीबों की मदद के लिए आगे आए, लेकिन पटाखे जलाकर प्रदूषण ना फैलाए। दीपों से सजाए घरों में, सुंदर रंगोलियां बनाए, पटाखे जलाकर प्रदूषण ना फैलाए। पटाखों के प्रदूषण की जहरीली हवाएं ना फैलाए, खुशियां बांटे और खुशहाली फैलाए, पटाखे जलाकर प्रदूषण ना फैलाए। टीबी अस्थमा जैसी बीमारियों को ना बुलाएं, इस बार प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। पटाखों से निकलने वाला धुआं फैला रहा प्रदूषण, पर्यावरण हो रहा प्रदूषित, पर्यावरण का हो रहा शोषण। इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। दिवाली प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने का, तो आओ एक दिया ऐसा जलाएं जिससे अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाए, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाए। सभी को खुशियां बांटने का संदेश सुनाएं,
इस बार दिवाली पर पटाखे न जलाएं, वृक्षारोपण कर धरा सजाएं, प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। दिवाली पर पटाखे न चलाकर देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है। उसी तरह प्लास्टिक का प्रयोग न कर देश को प्लास्टिक मुक्त भी बनाना है। आओ प्लास्टिक इकट्ठा कर इको ब्रिक्स बनाएं, देश को प्लास्टिक मुक्त बनाकर समृद्ध व खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।